हेलो मेरे हेल्दी फूडीज, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं संजीव वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फूड जुम्बा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अच्छा वो छोड़िए, पहले ये देखिए, ये है गिलोई। ये जो नीचे से ऊपर की तरफ जो पत्ता जा रहा है और वापस ऊपर से नीचे की ओर भी जब आ रहा है, ये है गिलोई का पौधा। ये नया उग रहा है अभी, वो स्टीम्स के पतले हैं। गिलोई के बारे में तो आपको आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर COVID-19 पता चल ही गया होगा कि ये हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो जैसा कि मैं क्या बोल रहा था कि कोई भी चीज़ जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा क्यों ना हो, कंटिन्यू आपको नहीं लेना चाहिए। आप बीच बीच में बदल कर खाएं, बीच बीच में कुछ ना कुछ चेंज करते हुए अल्टरनेट खाते रहें। कंटिन्यू किसी भी चीज़ को लेना, चाहे वो हेल्थ के लिए कितना भी अच्छा हो, वो सही नहीं होता। तो हमेशा मैं अलग अलग चीज़ों को दिखाता हूँ, जैसा कि आपने मेरे अलग वीडियो में देखा है। ये मेरा कैमरा गिर रहा था। हाँ, तो जैसा कि आपने मेरे पुराने वीडियोस में भी देखा, मैंने बहुत सारी चीज़ों को दिखलाया है हेल्थ के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, तो ये भी उनमें से एक है। तो ये कभी कभी आप इन चीज़ों को भी सुबह खा सकते हैं, जिसमें से आज की रेसिपी को मैं दिखा रहा हूँ, उसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ ये नीम के पत्ते, हल्दी, ये है पाथुर कुछी पत्ता, इसको बंगाल में बोलते हैं पाथुर कुछी पाता, और कहीं कहीं इसे पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, एयर प्लांट भी बोलते हैं। तो ये इसके फ़ायदे बड़े अनोखे हैं। ये देखिए, अगर आप गूगल करेंगे तो इतने तरह के फ़ायदे आपको नज़र आएंगे। ख़ासकर तो ये किडनी स्टोन्स को ख़त्म करने में काम आता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे पंजाब में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है घाव को भरने के लिए, कहीं भी कट छिल गया हो या कोई पुराना घाव हो, उसमें भी आप इसके पत्तों को पीस कर लगा सकते हैं, और खाने में तो पूछिए मत, हर तरह से फायदा है। चलिए मैं इसका पौधा दिखाता हूँ आपको। तो बताइए, इसका नाम ही है पत्थर चट्टा, तो ये पत्थरी का क्या हाल करेगा आप सोच सकते हैं। और इसको उगाने का सबसे ईजी प्रोसीजर यही है कि आप इसके पत्ते को तोड़े, इसके पत्ते को किसी भी मिट्टी में आप अंदर डाल के छोड़ दें, यहाँ वहाँ से वो पौधा निकलना चालू हो जाएगा। ईजीएस्ट पौधा है ये उगाने का। और ये है अजवाइन के पत्ते, इसका भी मैं पौधा आपको दिखला देता हूँ। इसका पौधा भी आपको किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा। और ये है तुलसी, तुलसी तो आपको पता ही है। तो करना ये है कि इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से धो लें, कटोरे में पानी लेके इसे अच्छे से, तो मैंने दो बार पानी चेंज करके अच्छे से इन सबको धो लिया है। एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो तुलसी के पत्ते होते हैं, इसे आप जब भी चबा रहे हों तो एक चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें कि ये कहीं दांतों में फंस कर ना रह जाए। आप इसे खाने के बाद अच्छे से चबा के जब निगल जाए तो थोड़ा सा कुल्ला कर ले, या थोड़ा आईने में जाके चेक कर ले कि कहीं दांतों के बीच में कहीं फंसा ना रह गया हो ये तुलसी के पत्ते, क्योंकि इसमें मर्क्यूरी होती है, ये दांतों को धीरे धीरे खा जाती है अगर आपके दांतों के बीच में ये फंसा रह गया तो। तो अब आप क्या करें, ये बड़े पत्तों को, दो पत्ते आप ले लें पत्थर चट्टा के, इसमें आप दो पत्ते अजवाइन के रख दें, और चार से पांच पत्ते तुलसी के। और इसमें कुछ नीम के पत्ते लेंगे, चार से पांच पत्ते नीम के। ये जो ब्राउन वाला नीम का पत्ता होता है ना, जो नाजुक पत्ते होते हैं, नाजुक कलियां, तो ये बिल्कुल तीता नहीं होता है, इसे आप बिंदास खा सकते हैं, छोटे बच्चे भी आराम से खा लेंगे अगर उन्हें इस तरह से दे दिया जाए तो। तो ये मैंने ऊपर रख लिया हल्दी। अब इसे आपको क्या करना है, ये मोटी डंडी को अगर चबाने में तकलीफ होती हो तो इसे आप तोड़ लें, और ये हो गई आपकी रेसिपी तैयार। अब इसे
एक मिनट, इसे खाने के बाद एक घंटे तक आप कुछ ना खाएं, कुछ ना पिएं। सुबह खाली पेट अगर इसे खा रहे हैं तो एक घंटे तक आप पूरे बॉडी को रेस्ट दें, ये बॉडी में जाके अपना काम करेगा। थोड़ा चबा के निगलना नहीं है, अच्छे से चबाते रहना है, पूरा पानी जैसा बना के ही अंदर निगलना है। बस ऐसे ही किसी सुबह आप ये पी लें, कभी ये पी लें, किसी दिन ये पी लें, इसी तरह से आप चेंज कर करके हर दिन नया नया चीज़ यूज़ करें। और भी इस तरह से मैं खाली पेट में खाई जाने वाली चीज़ों को अपलोड करूँगा, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम और भी स्ट्रांग होती रहेगी। बट जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको पता कैसे चलेगा, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लेफ़्ट साइड में जो फूड जुम्बा का गोल सा बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए।